हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे पके आम का बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा मिठाई। हम बनाने जा रहे हैं मैंगो पेड़ा। ये पेड़ा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत ही झटपट बन जाता है। बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना देखते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए पके हुए आम। हमने यहाँ पर दो पके हुए आम ले लिए हुए हैं। इन आमों को हमें छील लेना है। पके हुए आम बहुत ईजीली छिल जाते हैं, नाइफ की मदद से आप बहुत ईजिली इन्हें छिल सकते हैं। बस इस तरह से खींचिए। आमों को छिल लेने के बाद उन्हें हमें छोटे छोटे स्लाइस में काट लेना है। तो रफली उन्हें हम काट लेंगे क्योंकि इन्हें हम ग्राइंड करेंगे। सारे आम के पीसेस देखिए हमने काट लिए हुए हैं। अब एक ग्राइंडिंग जार में इन्हें डालेंगे और अब इसमें डालेंगे 5 छोटे चम्मच चीनी। चीनी डाल करके जब हम पीसेंगे तो इनके रेसे अगर होंगे तो वो भी पीस जाएंगे, बहुत ईजिली पीस जाते हैं। देखिए हमारा मैंगो पल्प बन करके तैयार है। अब इसको हमें किसी पैन में निकाल लेंगे। पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, तो जार में से इसी तरह से हम पूरा निकाल लेंगे और इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे पकने के लिए। इन्हें हमें लगातार चलाते हुए पकाना है। आम के साथ हमने चीनी पिसा हुआ था जिससे वो मेल्ट हो गया है और ये पल्प थोड़ा पतला हो गया है, तो इन्हें हम लगातार चलाते हुए पकाएंगे। थोड़ी ही देर में देखिए ये सूखने लगा हुआ है, पहले से काफ़ी ड्राई हो गया है। तो ये पानी जो था चीनी का वो सूख गया है लेकिन अभी भी गीला है। अब इसमें हम डाल देंगे दूध का पाउडर जो कि 1 कटोरी लिया हुआ है, क्योंकि जो पल्प हमारा था वो भी 1 कटोरी था, तो जितना पल्प रहे उतना ही दूध का पाउडर इसमें हम डालेंगे। थोड़ा बहुत क्वान्टिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से चलाते हुए मैश करते हुए मिला लेंगे और फिर चलाते हुए इसे हमें पकाना है। अभी देखिए काफ़ी चिपक रहा है तली में। इसमें हम इलायची का पाउडर डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच और इसे भी मिक्स कर लेंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब देखिए हमारा ये जो पल्प है काफ़ी फ्लफी हो गया है। अब इसमें डाल देंगे देसी की 2 चम्मच। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। घी डालने के बाद जब इन्हें हम चलाएंगे तो ये देखिए तली को ये छोड़ने लगा हुआ है, तो सब तरह से किनारों को क्रूज करके हम निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा ये बैटर बन करके तैयार है, बहुत ही अच्छे से ये हो गया है। थोड़ा सा इन्हें हम और चला लेंगे ताकि थोड़ा और ड्राई हो जाए, ताकि पेड़े बनाने में आसानी हो। ये देखिए बहुत अच्छे से ये पैन की तली को छोड़ने लगा है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे बाहर, ऐसे ठंडा होने के लिए रख देंगे क्योंकि अभी ये बहुत गर्म है, तो पेड़े बनाएंगे तो हाथ जलेंगे, इसलिए थोड़ा सा इन्हें हम ठंडा कर लेंगे। तो देखिए अब ये बेटर हो गया ठंडा। अब हथेली में हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाएंगे पेड़ों की शक्ल में। अब इसे इस तरह से रखते जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे आप अपने मन पसंद अनुसार ऐसे बना लीजिए। सारे पेड़ देखिए हमने बना लिए हुए हैं। अब आप किशमिश, बादाम या फिर काजू इनके ऊपर इस तरह से एक एक चिपका दीजिए तो ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेंगे। तो सारे काजू देखिए हमने इसमें चिपका लिए हुए हैं। बहुत ही प्यारे हमारे पेड़े बन करके तैयार हैं। खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। एक बार इन गर्मियों में पके आम की ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। बहुत ही टेस्टी मिठाई बन करके तैयार होती है और क्विक ईजी रेसिपी है। इसे बनाने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।